आरती दिखाएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं, पूजा पाठ भी सब हो गया। हर हर गंगे, जय जय गंगे। पहले हम लोगों को लग रहा था कि बहुत ही ठंडा पानी है, लेकिन जब गंगा मैया के बिल्कुल पास में पहुँच जाओ ना, नहाने लगो, एकदम से ठंडी गोल हो जाती है। और बच्चों ने पूरा 1.5-2 घंटे मस्ती किया है और हम लोग भी खूब नहाए, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना नहाना नहीं हो पाता है, बस 5-6-7 चुप्पी लगाओ और तुरंत निकल लो। सासू माँ लोगों के साथ रहो ना तो पूजा पाठ के लिए भी देर हो जाता है। ए बच्चे पार्टी, तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों, क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहे हो? चलो टीका चलने भी लगाना है। भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ प्रयागराज में ना मतलब पूरा दिन पूरी रात सुबह भीड़ ही भीड़ रहती है, मतलब भक्तों की ना लाइन लगी रहती है। बहुत ही मज़े आते हैं, सच होता है ना, हमको ना इतना अच्छा लग रहा है। नहीं मेरा ठीक है। देखिए ये हमारी बहनें हैं, ये लोग भी इलाहाबाद से हैं और सभी भक्त हैं, सभी लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है ना जी। मनु बहुत सुंदर दिख रहा हो, दिखाओ टीका। अच्छा अभी लगा नहीं पूरी तरह से। अरे वाह, बिल्कुल हीरो दिख रहे हो पंडित जी। कृष्णा आइसक्रीम खा करके तबीयत खराब कर रहे हो, हैं? हटाओ। अभी गंगा नहाने के लिए तो कह रहे थे ठंडी लग रही है, उन दोनों ने नहा लिया, तुमने नहीं नहाया। देखे गोविंद कैसे दिख रहे हो। अरे वाह, यहाँ पर गुड़ की जलेबी अभी की बनी हुई है। अच्छा दे दीजिए, बच्चों की इच्छा है खाने की, ऐसे नहीं खाते जलेबी, कह रहे गुड़ की जलेबी खाएंगे। बस थोड़ी दीजिएगा बच्चे। सो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं, तो चाची जी सासू माँ के सबके कपड़े हम फोल्ड करके रख देते हैं, चाय भी हमने रख दिया है पकने के लिए, तो सबको चाय पिला देते हैं। इसके बाद सबने चाय पी भी लिया और जो चाय के बर्तन हैं ना उनको हम साफ करके रख देते हैं। इसके बाद सभी लोग तैयार हो रहे हैं तो हम लोग निकलेंगे गंगा आरती के लिए, क्योंकि 5:30 बजे ही पंडित जी ने बुलाया था। तो हम लोग ले लेते हैं पहले प्रसाद, क्योंकि गंगा मैया की आरती होने के बाद ना तो भोग लगेगा, अब भोग का प्रसाद सबको दिया जाएगा और जितने लोग कुटी में रहते हैं ना सभी लोग यहाँ से जाएंगे। हमारी YouTube फैमिली, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में इतने प्यारे प्यारे कमेंट किया है, हम तो गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, हे माँ सबकी इच्छाएं पूरी करिएगा, सबको खुश रखिएगा। तो हम लोग सब लोग सजाते हैं गंगा मैया की आरती और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाय करिए, हाथ लाइए, देखिए हमारा आया। अभी आरती सजा रहे हैं ना गोविंद, बाकी सब उपाय जिक्के बचे हो गया, चेक कर लो। हाँ हो गया, और क्या बचे, कौन सी क्या हो। सो गाइज हमारे जीजा जी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं और यहाँ पर तीनों बच्चे लेकर के जा रहे हैं आरती, तो आप सब लोग भी शामिल हो जाइए, करते हैं हम सब लोग गंगा मैया की आरती, आप लोगों को भी सुनाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम लोग गंगा जी के किनारे आ गए आरती के लिए, जय हो गंगा मैया की। इधर बाजा भी बज रहा है। तीनों बच्चे बैठ गए पूजा के लिए और कैसे कर रही है ये लोग पूजा, अपने ऊपर ना खोसने लग रहा है, हवा कितनी तेज चल रही है, देखिए सबके बाल वाल उड़ रहे हैं, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है। गंगा माई की जोत जल गई, सब भक्त लोग लगे हुए हैं, जय हो गंगा माँ। इतनी हवा में कैसे जोत माई की जल गई। माता जो नर तुम्हें को दियाता, जो नर तुम्हें को दियाता, मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगे माता, जागृति ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता, ओम सब जगत उगलाता, मैया सब जग को दाता, दृष्टि तुम्हारी।
आप लोगों को ना पूरी आरती नहीं सुनाए हैं क्योंकि काफी लंबा ब्लॉक हो जाता और यहाँ पर आरती ना गर्म हो गई थी। माई की आरती हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को मैं फिर से दर्शन करवा रहे हैं गंगा माई के। देखिए कितने श्रद्धालु भक्त हैं कि इस समय यहाँ पर आरती भजन कीर्तन सब चल रहा है। ये देखिए सब भक्त आरती पूजा कर रहे हैं। ये सब लोग चले गए, कुछ बहनें मिल गई थी तो हम बात करने लगे और इस सासू माँ लोग किधर गए। अच्छा अच्छा आगे हैं। दीदी रुकिए, हम भी आ रहे हैं। क्या है बेटा? अच्छा मिल रहा है। बाल सब खड़े हो गए। सब लोग कह रहे हैं कि चलो बड़े हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। कहाँ चाची? चाची हरे गई था। चारों तरफ यहाँ आरती ही आरती सुनाई पड़ रही। आप लोगों को इसीलिए सुना रहे हैं आरती। सबका कहना है कि चलो चलते हैं। कौन नंबर पुल से चल रहे हैं? दो नंबर पुल से जा रहे हैं ना हम लोग। नंबर से हाँ। अच्छा अच्छा, बजरंगबली के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, पुल नंबर दो से जा रहे हैं सभी लोग साथ में। बजरंगबली के मंदिर आ गए। यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। यहाँ ना देसी घी के लड्डू हुए रहते हैं। देखिए आरती हो रही है अंदर। आरती हो रही ना जी अंदर। बजरंगबली की जय हो। बजरंगबली की के दर्शन करने के बाद राम दरबार के भी दर्शन करना चाहिए। सब भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी ना प्रसाद यहाँ पर रखा हुआ है और जो तीनों बजरंगी है ना उन्होंने प्रसाद खा लिया क्योंकि अपने मन पसंद इन लोगों ने लड्डू लिया था कि कौन सा लड्डू इन लोगों को कैसा पसंद है। और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी ना। इधर देखिए हमारे बड़े सरकार भी बैठे हुए हैं। देसी जी के लड्डू और हमारी दीदी जी के भाव कितने अच्छे हैं। घर से लड्डू बना करके हमारी दीदी जी लाई हुई है। देखिए गाइस कितने अच्छे लड्डू है, मगज के लड्डू है। आप लोग भी खाइए। आप लोग भी खाइए, हम लोग भी खा रहे हैं। दीदी हमारे मगज के लड्डू बहुत अच्छे बनाते हैं। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बजरंगबली के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे। हमारे जीजा जी खिला रहे हैं सबको। ये देखिए गाइस हमारे जीजा जी सबको समोसे खिला रहे हैं। ए बच्चों टेस्टी है समोसे। मिश्रा जी आप कहाँ जा रहे हैं? आएंगे आप भी लीजिए फिर। जी नहीं खाते, इनको समोसे बिल्कुल पसंद नहीं। जी जी लोग आ गए पांच नंबर पुल पे। पांच नंबर पुल से उस पार जाएंगे। पांच नंबर पुल है, सभी यात्री जा रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे राम गुलेला आश्रम जहाँ पर है सासू माँ लोगों की कुटी। रात में दीदी यहाँ कितना अच्छा लगता है ना। इतनी तेज हम लोगों की रफ्तार है।
ये लोग कितने आगे आगे जा रहे हैं। ये गंगा मैया को ऐसे लोग चढ़ाते हैं माला। गंगा मैया की लहरें हैं, आप लोग सुनिए, खल 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 की आवाज़ें आ रही हैं। हमारी YouTube फैमिली, हमारी बहनें, हमारे भाई, अगर आप लोग कुंभ मेले में नहीं आए हैं तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, गंगा मैया के दर्शन भी करिएगा, मन खुश हो जाता है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ। लोग ना बहुत सही टाइम पे आ भी गए, और टाइम बताएं आप लोगों से अभी ना 8:30 बज रहे हैं, और इस बार ना दर्शन बहुत अच्छे टाइम पे हो गए हैं, मज़े आ गए। देखिए महात्मा जी ना ऐसे यहाँ पर बनाते हैं प्रसाद, यानी खाना बनाते हैं, रोटियाँ सेक रहे हैं चूल्हे में, और अम्मा जी रोटी बेल रही हैं। किसी के बना रहे हैं? नहीं नहीं, ये लोग अपने लिए बना रहे हैं। तो क्या है, मस्ती कर रहे हो? टेंट में बढ़िया गंगा किनारे हैं। बिस्तर लगाओ मनु, सही से सेट करो सब, काम करो कुछ। बच्चों को लगा दिए हैं काम में, और चाची जी हमारी क्या बना रही हैं, साबूदाना आलू टमाटर की खिचड़ी बना रही हैं फलाहारी, क्योंकि शाम को ना सासू माँ चाची जी लोग फलाहार ही करती हैं, और इसके साथ ना एक गिलास दूध भी ले लेंगी, शाम को ना लोग खाना नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर हमारी दीदी बैठ करके सबसे कर रही हैं बातें। ये तो दोनों का झगड़ा चल रहा था। नहीं, जीजा जी हमारे बहुत अच्छे हैं, दीदी अच्छी है तभी तो जीजा जी अच्छे हैं, मौसी। हमारी चाची जी ना अपने लिए और सासू माँ के लिए फलाहार बना रही हैं, आलू और साबूदाना। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने काम में, तो यहाँ पर सबको गर्मा करके दे दिए हैं पहले पानी, और सब लोग एक एक लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेश जाना, ब्रश करना अच्छे से, क्योंकि वहाँ गंगा मैया में ना कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ नहा करके ही हम लोग आएंगे, और जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े भी आ करके ही नल में ही हम लोग धुल लेते हैं, और वैसे भी यहाँ साबुन निरमा कुछ भी नहीं यूज किया जाता है, तो जल्दी हम लगा लेते हैं झाड़ू। इसके बाद सब लोग तैयार होकर के निकल रहे हैं, अब बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। बच्चा पार्टी, अभी सभी लोग सो रहे हैं, और ये लोग ना आराम से जाते हैं, दीदी जी भी हमारी जग गई। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। देखिए यहाँ का रास्ता कितना साफ है, और अभी ना ज़्यादा भक्त यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। आप ही देखिए, सभी यात्री निकल रहे हैं कुटी से, ये देखिए दीदी लोग, सब लोग निकल रहे हैं गंगा स्नान के लिए। आप लोगों को भी गंगा जी के दर्शन करवाते हैं, और रामायण के पाठ भी हो रहे हैं। चाची, सासू माँ, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ ना पूरी रात रामायण कीर्तन भजन होते रहते हैं। गर्मी में नहीं इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चलती, इतनी समय यहाँ चल रही है, फूल माला गजरा देख कितने सुंदर। शाम को तो आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन करवा ही हैं, ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, हम यहाँ से ले लेते हैं फूल माला गजरा, और नहाते हैं भोले बाबा की, करते हैं पूजा, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता।